के थक गए। अरे रुको यार। हाय हाय। आज हम लोग आए हुए हैं IIT कानपुर में, और हम और रवीश जो कि लखनऊ से चल के आए हैं, और ये लव प्रकाश है और वो रवीश है और ये हम हैं। तो आज जो है हम लोग IIT के कैंपस में आए हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कैंपस बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ, मतलब हरा भरा है। ये गिफ्ट जरूर देखिए जिसमें साइकिल मिला है, और ये साइकिल से आया लव प्रकाश हम लोग को लेने के लिए गेट तक, बहुत बहुत आभार। और तो कुछ हम लोग के प्रश्न है आपसे लव प्रकाश जी, बताइए कि आप हाल ही में IIT बॉम्बे गए थे जी, और IIT कानपुर में अब तो आप अभी पढ़ रहे हैं जी, तो किस तरीके से डिफरेंट है IIT कानपुर से IIT बॉम्बे, इसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को जानकारी दीजिए। देखिए, पहली बात IIT जो भी हैं इंडिया के, वो अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट की अगर रैंकिंग होती है। हाँ, वो ठीक है, वो सब चीज़ तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो भी है कैंपस थोड़ा बड़ा है IIT कानपुर का। ओके। और जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं कंपेयर टू हाइट की बात करें तो थोड़े से छोटे बिल्डिंग हैं, और बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कैंपस छोटा है ऑब्वियस है, और बैच स्ट्रेंथ लगभग सेम है वहाँ और यहाँ, तो कहीं ना कहीं कैंपस और वहाँ का कैंपस चारों तरफ से आप देख सकते हैं, कहीं पहाड़ से घिरा हुआ है, लेक्स हैं, एक साइड में आपको कुछ दूरी पे समुद्र मिल जाएगा, मैं बहुत दूरी पे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मतलब कहीं कानपुर IIT कानपुर अच्छा है किसी फील्ड में, और किसी फील्ड में IIT बॉम्बे भी आगे, लोकेशन मतलब इसका कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि IIT बॉम्बे जो है एक आप बोल सकते हैं कि जो अपने इकोनॉमिक देश की राजधानी है वहाँ पे है हब है, और ये हमारा कानपुर जो है आप बोल सकते हैं कि ये भी कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा है और अभी भी है। और तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हम लोग इन शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप कैंपस में रह रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है इस कैंपस में, कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। कैंपस में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ए टू जेड, शॉपिंग से लेकर मेडिकल तक, एजुकेशन तो है ही। और बात ये कि ग्रीन जो हमारा कैंपस है, ग्रीन कैंपस है, तो बहुत अच्छा लगता है, हर एक तरीके के पशु पक्षी मिल जाएंगे, मोर है, कभी नीलगाय मिल जाती है। हम लोगों ने देखा था मोर, क्या रवीश? यस यस, वी हैव जस्ट सीन दैट। हमने दो मतलब मोर देखे। एक्चुअली अब बारिश स्टार्ट हो चुका है, सो तो अभी बारिश अभी देख ही रहे हैं, बारिश का सीजन चल रहा है, तो ये है। और अभी हम लोग हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं जो अभी है, और जो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये क्वार्टर उन लोगों का है, दूरी पे दिखाइए ये जो है, और ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देश के जो टॉप माइंड्स हैं, यहाँ पे एडमिशन लोग अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मौका मिलता है, यही सारी चीज़ें हैं।